जब ट्रक करते हैं तो सुबह इस टाइम पे चलते हैं, बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, तो स्कूटी से जैसे जा रहे हैं तो जाम में फंस जाता है, 5 मिनट तो यहाँ से रोड में पहुँचने लग जाता है और बुग्गियाँ खड़ी रहती है, मतलब होता ही है, कहीं बच्चा गिर गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब कल के दिन कोई प्रॉब्लम हो सकती है बड़ी। इस वक्त हम हल्द्वानी के काटूदाम क्षेत्र में हैं और यहाँ पर बहुत सी महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ की क्या परेशानी है। मैम आपका नाम? मेरा नाम ज्योति मेहरा है। यहाँ अगर वार्ड की बात करें आपकी, किस तरीके से जो दिक्कतें हैं परेशानियां हैं? फिलहाल तो एक गोला की थोड़ी समस्या है क्योंकि ट्रक व्रक बहुत चलते हैं, तो उस वजह से ना बच्चों को स्कूल में आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और बाकी मतलब वैसे यही सब है, गोला का ज़्यादा मेन है, वो हट जाए तो ज़्यादा बेटर है, या फिर कहीं और से गेट बना जाए तो हमें थोड़ा आराम हो जाएगा इस वजह से। तो क्या क्या परेशानी होती है जैसे यहाँ से ट्रक चलते हैं? जब ट्रक चलते हैं तो सुबह इस टाइम पे चलते हैं, बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, तो स्कूटी से जैसे जा रहे हैं तो जाम में फंस जाता है, 5 मिनट तो यहाँ से रोड में पहुँचने लग जाता है और बुग्गियाँ खड़ी रहती है, मतलब होता ही है, कहीं बच्चा गिर गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब कल के दिन कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसमें बड़ी। तो आप लोगों ने किससे कहा इस समस्या के बारे में? हाँ ये तो चल ही रही बात, तो फिलहाल रिजल्ट कुछ नहीं आया है। आपका नाम? मेरा नाम गीता विष्ट है। नमस्कार, मैं आपका बहुत स्वागत मन से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप हमारे कर्नल वार्ड में आए, कभी कोई नहीं आया हमारे, कोई नहीं हमारे समस्या का समाधान पूछने देखने कोई नहीं आया, आपसे हम इतने खुश हैं, बहुत दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं। और क्या कहते हैं, मीडिया की तरफ से आप आए हैं, बाकी हाँ, तो आते हैं वो लोग, और लोग तो आते हैं हाँ, और आते हैं, मेयर लोग आते हैं, ऐसा होगी तो वही लोग मानते हैं उन्हें, वो बहुत अच्छे हैं, उन्हें जो भी काम करे हैं इतने अच्छे काम करे हैं, जो भी हैं जो ये रिवर लाइन कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं इसकी थोड़ा बहुत ये होगी और सब कुछ सही है, और गोला की वजह से हम ये नहीं कह रहे कि गोला बंद हो, किसी दूसरे रास्ते से पर गेट चेंज गेट चेंज तो देर भी रहती है, बच्चों को थोड़ा रुकना पड़ता है, इस वजह से कोई भी अगर बच्चा सामने आ जाए, कुछ भी हो जाए, ड्यूटी वाले हैं कोई भी हैं, थोड़ा परेशानी इतनी है। आपका नाम? मेरा नाम मीना बोरा है। क्या परेशानी है यहाँ पर आपको? परेशानी तो बहुत है, जैसे गोला की बताई, अभी सिविल लाइन की परेशानी है और ये गायों की परेशानी है, खाली बतारी की बीमारी आई है, गायों हुए खुला ना छोड़ें, इस टाइप से तो कहीं ना कहीं जो आवारा पशु है उनसे भी ये जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो गोला नदी है वो सामने ही यहाँ से गेट जाता है जहाँ से गाड़ियाँ निकलती है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाले जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले जो लोग हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप बताइए क्या परेशानी है यहाँ? बताई दी परेशानी तो यही बता दी थी। आप बताइए कि क्या क्या यहाँ पर परेशानी होती है महिलाओं को, क्योंकि वार्ड है, किस तरीके से दिक्कतें हैं? सर मेरा नाम मंजू जोशी है और यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत तो ये गायों से है हम लोगों को, क्योंकि रोड बहुत ख़राब हो जाती है, रोज सफाई करनी पड़ती है, आधा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है, और हम लोगों की यही वो है कि इनको या तो जो गायों की गौशाला बनी है उनमें पहुँचाया जाए या फिर इनको अपने घरों में रखा जाए, आजकल बीमारी भी चल रही है ना इनकी, तो मनुष्यों को भी हो रही है, और बाकी यही समस्या है, और थोड़ा सीवर लाइन की है, रोड पार तो हमारी सब आ गई है सीवर लाइन, लेकिन इसमें थोड़ा कह रहे हैं कि ये रेल पटरी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और इस बस बाकी तो क्या है कि यही समस्या ही समस्या है सर, परेशानी बहुत है। आपका नाम? मेरा नीलम जी है और मैं वार्ड नंबर 3 से हूँ, और यहाँ की समस्याएं सबसे बड़ी समस्या है सीवर लाइन की, सीवर लाइन हो जाती तो हमको थोड़ा आसानी रहती, और है गोला की समस्या, अभी 4-5 साल पहले एक कांड हुआ बच्ची के साथ, रेप हुआ था, 7 साल हो गए उसको, तो ऐसी समस्याएं जैसे बिहार से आते हैं सब लोग, यहाँ से गोला में काम करने के लिए जो लेबर आती है बिहार से आती है, कौन कैसा है हमें ये मालूम नहीं है, तो उस बच्ची के साथ जो हुआ वो किसी बिहारी ने ही किया, तो हमको ये समस्या है कि यहाँ से ये गोला का गेट हट जाता कहीं दूसरी जगह चले जाता तो ये समस्या यहाँ से कम हो जाती है, क्योंकि सब लोग यहीं पे रहते हैं, गोला के जितने भी मजदूर आते हैं तो ऐसे कांड हो जाते हैं, और बाकी ये गायों को जो आजकल बीमारी हो रही है इससे मनुष्यों को भी हो रही है ये बीमारी ना, इससे फैल रही है, तो हम सोचते थे कि गाय भी यहाँ से हट जाती तो अच्छा था, जो पालते हैं वो अपने घरों में रखते हैं, बाकी वहाँ पर जाती है जहाँ पर गौशाला होती है, बस यही समस्या है। ट्रक यहाँ से चलते कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को, ड्राइवर या लेबर क्योंकि बाहर से आती है, तो आपने बताया कि क्या दिक्कतें होती है? भैया बहुत परेशानी होती है क्योंकि बच्चे स्कूल जाने में हम लोग पैदल में फंस जाते हैं, वो लोग ऐसे भी नहीं सोचते कि ये बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो हम थोड़ा गाड़ी रोक देते तो स्पीड में लेके जाते हैं, क्योंकि उनको तो अपना नंबर लगाने की होती है,
और इस वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। 5-10 मिनट हमको रोड क्रॉस करने में लग जाते हैं और वहाँ तो कभी बच्चों की गाड़ी निकल जाती है, कभी फिर हमको ऑटो में छोड़ना पड़ता है बच्चों को। गोला की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और एक गायों की बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों की सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं, ड्राइवर आते हैं, बहुत ज़्यादा अभी है क्योंकि वो लोग अपना सुबह दिन में का काम करते हैं, शाम को भी खा के फिर रोड में झगड़ा करते हैं, क्योंकि हम लोग इस डर से हम 7 बजे के घर से बाहर नहीं, रोड में जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे ट्यूशन से आते हैं, वो आते हैं तो डरे हुए आते हैं, क्योंकि वो लोग आपस में खा पी के झगड़ा करते हैं, तो इसके वजह से अभी हम प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम ज़्यादा है। धन्यवाद। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हालांकि बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ हो चुका है, लेकिन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो गोला गेट है, जो बाहर के जो लेबर आती है या फिर जो ड्राइवर होते हैं, वो कहीं ना कहीं शाम को जो नशा करके या फिर अन्य जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो बच्चे हैं या महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। राहुल सिंह, हल्द्वानी।